मधुरा बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है किसी ने आपका हक मारा है, किसी भी तरह से आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस या अन्याय हुआ है, तो ऐसे में जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है उनका क्या हाल होगा? जो भी हाल होगा उसे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर कोई आपका हक मार लेता है, आपके हक का कुछ भी छीन लेता है, तो कभी ये ना समझे कि आपको उसकी जस्टिस नहीं मिलेगी, आपको उसका न्याय नहीं मिलेगा। कई लोग इतने काबिल होते हैं कि अपनी जस्टिस खुद ही कर लेते हैं, वो खुद ही अपना कुछ भी करके अपना न्याय खुद ही हासिल कर लेते हैं। पर कुछ इनोसेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वक्त पे सब छोड़ देते हैं। उनका जो एक हक मारा गया होता है उसके लिए खुद आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे में उनको भी जस्टिस मिलती है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कुदरत का न्याय बहुत जबरदस्त होता है, अगर आप उस पर भी छोड़ देते हैं आपको थोड़ी देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। आपका हक खाने वाले को, मारने वाले को जरूर कोई ना कोई सबक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी क्योंकि ये इंटेंस टॉपिक है। तो अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से आपका कोई हक मारा गया है, आपका हक आपसे छीना गया है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटना नहीं हुई है तो ये रीडिंग आप सिर्फ यूं ही देख रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। जिन्होंने भी आपका हक मारा है, आपका हक छीना है, उनका क्या हाल होगा? काफी इंटेंस और डिटेल्ड रीडिंग रहेगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मुझे काफी एरिया को कवर करना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड माइजर, सारे कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं किसने आपका हक मारा है, किस तरह से मारा है और उनका क्या हाल होगा। एक तो आपका हक जिस तरह से मारा गया है, माइजर और फोर ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, मतलब हक तो आपका गया ही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ आपके घर में ही इतनी ज़्यादा इनजस्टिस हुई है, आपके घर के अंदर ही, कि आपने बाहर मदद की तलाश शुरू कर दी। जब इंसान को अपने घर में ही इनजस्टिस फेस करनी पड़ती है, ना ही पेरेंट्स से उसको रिस्पेक्ट या प्यार मिलता है, ना ही अपने भाई बहनों से उसको मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक कंपेरिजन होती रहती है। आप अपने आप में एक अलग व्यक्ति हैं, ये लोग समझते नहीं हैं कई बार घर के, और वो करते क्या है कि ऐसे में आप पर बहुत ज़्यादा एक जोर डालते हैं कि उसके जैसे बनो, इसके जैसे बनो, और जब आपसे नहीं हो पाता तो आपके साथ बहुत सीवियर इनजस्टिस होती है। आपको जो आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दी जाती, आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है, जो आपको बहुत ही तकलीफ देता है, क्योंकि आप ये चीज़ कैसे समझाएं। हो सकता है कई बार आप एज में इतने छोटे होते हैं, इमैच्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, कि अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब कांस्टेंट कंपैरिजंस होती रहती है तो ये तो बट नेचुरल है कि आपसे एक्सप्रेस होती ही नहीं कोई बात, क्योंकि आपको लगता है सुनने वाला ही कौन है। जब अपना ही इतना तंग कर रहा है तो कहाँ इंसान किसकी मदद ले। ऐसे में आप क्या करते हैं, आप घर के बाहर एक सोलेस को तलाश करते हैं, प्यार को तलाश करते हैं, किसी ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह से मदद करे।
जो इम्बैलेंसेस आप घर के अंदर फेस करते हैं, आप चाहते हैं कि आप बाहर उन्हें ढूंढें, आप बाहर चले जाएं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो आपको ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह से मदद करे। तो यू आर सर्चिंग फॉर सोलेस आउटसाइड, क्योंकि भीतर ही भीतर आप अकेले हैं, आपका दिमाग, आपका दिल, उसका कोई बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है जो हक आपको एक फैमिली मेंबर की हैसियत से मिलना चाहिए, एक चाइल्ड की हैसियत से, एक एडल्ट की हैसियत से, अगर आप मैरिड हैं तब भी अगर आपके साथ कांस्टेंट कंपैरिजंस होती है, वो आपके लिए कितनी तकलीफदेह होगा ये कोई भी इंसान समझ सकता है। आप किसी भी एज के हो सकते हैं अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जरूरी नहीं आप बच्चे हैं। जब मैं बोलती हूँ इमैच्योर या बच्चा, इसका मतलब आपके पास अभी वो काबिलियत नहीं है, आपके पास वो अभी शातिरता ही नहीं है कि ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए, स्पेशली जब वो घर के अंदर ही होते हैं। तो ऐसे में आप जाते हैं घर के बाहर तलाश करने, यू गो आउट द चैरियट कार्ड दैट समबडी आउटसाइड विल डेफिनेटली गिव मी सम पीस एंड सोलेस। ऐसे में आप ऐसे इंसान से शेयर कर लेते हैं ये सब बातें, अपने मन की तकलीफें, कि आपको लगता है सिर्फ स्टार्टिंग में तो आपको लगा कि इससे आप लाइट हो गए, आपने ये सब शेयर करके बहुत अच्छा किया, शुरुआत में आपको काफ़ी फ्लावरिंग कार्ड आया, यू बिकेम स्ट्रेस फ्री, आपका स्ट्रेस शेयर हो गया, आपको लगा कोई ऐसा है जो अंडरस्टैंड करता है आपको। ऐसे में आपने उस पर अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी, अपनी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। फिर चाहे आप छोटे हैं, एडल्ट हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मैं हर सिचुएशन की बात कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ नज़र आ रही है कि घर में ही सबसे पहले आपका हक छीना गया है। जब इंसान के घर में ही कंपैरिजन होती है, घर में ही उसको, अपने ही घर में जब उसे डर लगता है, अपने ही घर में जब वो सिक्योर नहीं होता, अपने ही उसे जब कॉन्स्टेंट कंपेयर कर करके औरों के साथ, फैमिली मेम्बर्स में औरों के साथ या बाहर के जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ कंपेयर करके आपको इस तरह की एक फीलिंग या एक ऐसी कंडीशन में ले आते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा सॉलिटरी लगता है, मेलैंकोलिक लगता है, सैडनेस लगती है, क्योंकि आप बाहर की दुनिया से लड़के जब घर में जाते हैं आपको पता है यहाँ कोई है जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको सुनेगा, लेकिन घर के अंदर ही जब ऐसे हों लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली हैरास करते हैं, परेशान करते हैं, कंपेयर कर करके आपके हक को, आपके सुकून को छीनते हैं, जब आपका हक छीना जाता है उसमें आपका सुकून छीनना भी आपके हक छीनने के समान है, आपके मन की जो शांति है उसको डिस्ट्रॉय करना भी आपका हक छीनना ही होता है। हक छीनने में मैं इस सब चीज़ों को कंसिडर करती हूँ, हक छीनना सिर्फ ये नहीं कि आपकी पोजिशन लेकर किसी को दे दी, आपकी जो एज बेसिक जो आपकी राइट्स एज ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते जो आपकी बेसिक एक राइट्स है, उस पर ही जब आपका कोई काबू नहीं है अपने घर में, तो आपके लिए कितनी तकलीफदेह सिचुएशन होती है ये कोई भी समझ सकता है। तो आपने क्या किया, आप बाहर गए, यू लुक्ड फॉर सोलेस आउटसाइड योर होम, ये सोच के कि कोई होगा जो आपको ऐसी सिचुएशन में संभालेगा, समझेगा। शुरुआत में ये हुआ भी, आपका जो भी कहना सुनना ये सब जो हुआ, आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सब कुछ सुना, लेकिन धीरे धीरे आपने नोट किया ये पर्सन आपकी हर बात को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगे, ये भी हक छीनने के बराबर ही होता है। आप किसी के अंदर फेथ रखकर, आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके, एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी कि कोई भी रिलेशन बनता है तो प्यार की नींव पर, प्रेम की नींव पर रिलेशन बनता है, लेकिन निभाया जाता है ट्रस्ट या भरोसे की नींव पर। तो आपका हुआ क्या कि आपका रिलेशन आपने कायम किया किसी के साथ, क्योंकि घर में आपको सुकून नहीं था, अपने माँ बाप से नहीं था या अपने भाई बहनों से नहीं था या अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं मिल रहा था, अपने इन-लॉज से नहीं मिल रहा था, तो आपने बाहर जाकर प्यार ढूंढा। अब हुआ ये कि स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, आपको लगा सुनने वाला कोई मिल गया, आप सुना सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीज़ आपके अगेंस्ट यूज होने शुरू हो गई। तो जो चीज़ आप बाहर ढूंढने गए किसी पे भरोसा रखकर, किसी के प्यार में आपने अपनी प्रॉब्लम्स जब उनसे शेयर की, तो आपने तो दो तरफ अपने लिए दुश्मन खड़े कर लिए, घर के अंदर तो पहले से ही थे आपके लिए, अब घर के बाहर भी एक तैयार हो गया। इंसान बाहर किसी से लड़के आता है तो घर में सुकून मिलता है, घर में कहीं लड़के जाता है तो बाहर कोई ऐसा होता है जो उसे सुकून देता है, पर इंसान ने जब दोनों तरफ ही दुश्मन पाल लिए हो तब वो क्या करे।
आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है इस रीडिंग से। आपके अपने ही जब आपके साथ नहीं है, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना, आपकी सुख शांति को नष्ट कर देना, घर का एक एनवायरमेंट ऐसा करना कि आपको कहीं सुकून ही नहीं मिलता घर में, तो जब आप बाहर जाते हैं सोच के कि ये इंसान है जो मेरा साथ देगा, जब वो भी आपका साथ देना छोड़ दे, ऐसे में आप क्या करें। तो आपने जब ये रीडिंग देखी, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको ना घर में आराम है ना बाहर, क्या करें आप, ऐसे में आप कहाँ जाएं। आपका दिमाग आपको इस वक्त साथ नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा जो अच्छा खासा रिश्ता आपने बनाया था, क्योंकि घर की तकलीफों से बचने के लिए आपको कोई आउटलेट चाहिए था, उसी इंसान ने वही किया आपके साथ जो कि आपके घर के लोग आपके साथ कर रहे थे। फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, ये डिसफंक्शनल फैमिली होती है आपकी कई बार, कि इंसान को ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली में बहुत ही लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है। आप घर के लोगों से कुछ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि यही बातें आपके खिलाफ सुनाई जाती हैं। ऐसे में आप बाहर सहारा ढूंढते हैं। अब बाहर भी जब वो शुरू हो जाए, ऐसे में आप कहाँ जाएं अपनी शांति के लिए, आप क्या करें अपनी शांति के लिए। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स, कि जो ऐसा कर रहा है आपके साथ, ये जो भी लोग हैं घर के बाहर के, ये जो आपको इस तरह से परेशान कर रहे हैं, इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये बहुत ही गलत है कि आप अच्छे खासे, अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये सब कार्ड्स को हटा लेती हूँ, आपके ध्यान में तो है ही कौन से कार्ड से, ताकि आप इन कार्ड्स को ध्यान से देख सकें। माय गॉड, आ गया ना थर्ड पार्टी। ओके, फ्रेंड्स ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इनका, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप क्या सोचते हैं इनके साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने अपने लिए ये गड्ढा खुद ही खोदा होता है। अब इनके साथ क्या होगा, इनको बहुत पछतावा होगा आपको दुख देने का। मैं मानती हूँ सबसे बड़ी सजा तो यही है कि इंसान पछताए। अगर इंसान सजा काट के भी पछताए ना, तो सजा का फायदा क्या। तो इनको जरूर आगे जाके रियलाइज होगा, बहुत जल्द इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है। क्यों? क्योंकि जो जेनरसिटी आपने इनको दिखाई है, आपने फाइट तो किया होगा, लेकिन आपने उस लेवल पे जाके फाइट नहीं किया कि ये लोग आपसे घबराने लगे और आपको परेशान करना छोड़ दें। आपने जो बाहर जाके सोलेस ढूंढा, जब उस इंसान ने भी, वो थर्ड पार्टी ने भी आपको परेशान किया, ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे। तो आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, अपने कार्ड्स के हिसाब से आपको तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट भी ना करें, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस आएंगे, इन लोगों की लाइफ में इतनी ज्यादा, एक जब साइकिल कंप्लीट होगी इनकी जो अभी चल रही है, ये जब कंप्लीट होगी, इनको खुद रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या गलत किया है आपके साथ। इनके लाइफ में अभी जो टाइम चल रहा है, अगर आपकी नजर में वो अच्छा टाइम है जो चल रहा है, वो इतना ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी बुरा होगा, बुरा भगवान ना करे कभी किसी के साथ इतना हो, लेकिन हाँ उनको रियलाइज जरूर हो, उनको एहसास जरूर हो कि उन्होंने आपका दिल दुखा के कितना गलत किया है। तो जो सक्सेस आज उनके पास है, वो धीरे धीरे कम तो होगी ही, क्योंकि ऐसे नेचर के लोग ज्यादा टाइम सक्सेस को संभाल नहीं सकते अपनी लाइफ में, ना रिलेशनशिप की सक्सेस, ना फाइनेंशियल सक्सेस, ना इमोशनल सक्सेस, कुछ ना कुछ तो इनको प्राइस पे करनी पड़ती है, जो कि इनको करनी ही पड़ेगी। इनकी लाइफ में भी कलह कलेश, इनकी लाइफ में परेशानियां, इनकी लाइफ में जद्दोजहद सब होगा, और जब वो इस दौर से गुजरेंगे तब इनको आपकी जेनरसिटी का एहसास होगा कि इन्होंने जब आपसे, आपको इतना परेशान किया, आपको इतना तंग किया, अब उसकी प्राइस उनको भी पे करनी पड़ेगी। तो उनको प्राइस पे करनी है बस उसी तरह से जैसे उन्होंने आपको परेशान किया था, उसी तरह तरीके से उनको प्राइस पे करनी है। रिग्रेट आया है
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत रिग्रेट में ये रहेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बड़ी सजा यही होती है कि रिग्रेट करे इंसान, तो रिग्रेट वो बैठे बिठाए तो कभी नहीं करता जब तक कि वो खुद उस साइकिल से ना पीसे, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। जब वो साइकिल में से जाएंगे, खुद कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे जैसे आज आपने किया, वो इंटेंसिटी को जब फेस करेंगे तब उनको रियलाइज होगा कि उनका जो ये सेलिब्रेशन था, उनकी जो ये सक्सेस थी, ये जो हैप्पीनेस थी, ये सब खोखली होने लगी है। वो भी रोएंगे खून के आंसू, उनको रियलाइज होगा आप कैसे तड़पे थे उनके इस बिहेवियर की वजह से। अब क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी पसीज जाता है उनको लेकर, आप चाहते हैं उनको इतनी परेशानी ना हो। और कुदरत ने कार्ड्स भी ऐसे दिए कि डायरेक्टली पहला ही कार्ड आया है रिग्रेट का, उनको रिग्रेट ज़रूर होगा। आप पेशेंस रखिए, आप मूव ऑन कीजिए। आपने अगर डियर जिंदगी मूवी देखी है तो उसमें शाहरुख खान जो कि डॉक्टर जहांगीर बने हैं, वो आलिया भट्ट को एक बात कहते हैं कि आपके अपने पेरेंट्स या अपने घर के लोग जब आपसे कोई इनजस्टिस करते हैं, आपको लगता है ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे भाई बहन हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मेरे घर के मेंबर्स हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब ये मत सोचिए ये आपका इनसे क्या रिश्ता है। आप उनको एक इंसान के पेडिस्टल पर, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के पेडिस्टल पर बिठा के देखिए, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती है। तो अगर उनको ये बात रियलाइज नहीं हो रही, आपको तो रियलाइज हो गई कि ये भी एक तरह के मानसिक रोगी हैं जो ऐसा करते हैं औरों के साथ, इसमें आपको घबराने की, रोने की, डरने की जरूरत नहीं, आप मूव ऑन कीजिए। अब मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे उनको छोड़ के कहीं चले जाएं, रहिए उनके साथ, आपको रहना ही पड़ेगा। हाँ, जो बाहर का इंसान है कहीं ना कहीं आप उससे मूव ऑन तो पूरी तरह से हो सकते हैं, जिस पे आपने विश्वास करके ये सब बातों को शेयर किया और उसने आपको घर वालों से भी ज़्यादा बड़ा धोखा दिया। लेकिन जो घर वाले, उनके साथ तो आपको रहना ही है हर हाल में। लेकिन जब आप ये समझ जाते कि डिसफंक्शनल लोग हैं, ये दिमागी मरीज हैं, तो आप इनको माफ़ कर दें, आप अपने काम में बिजी हो जाए, कोई एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाए जिससे आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, ऐसे कुछ काम में जो आपको करना अच्छा लगता है, ऐसी कोई हॉबी में जो आपको करनी अच्छी लगती है। आप अपने करियर में आगे बढ़िए, आप अपने कोई हॉबी में आगे बढ़िए, आप अपने दूसरे रिलेशनशिप्स को कोशिश करते रहिए कि ये ठीक हो जाए, ये समझ के कि अब आप टीचर हैं इन लोगों के, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके घर के मेंबर्स हैं, अब आप लीड ले, ये सोचना बंद कर दे कि आप विक्टिम हैं और आपको इनके हाथ से घुटना है। नहीं, अब आप टीचर हैं। क्यों टीचर है? क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये लोग डिसफंक्शनल हैं, ये लोग दिमागी मरीज हैं, ये ऐसा ही करेंगे। तो जब तक ये रियलाइज करेंगे, क्योंकि जो कुछ ये करते हैं इसकी कीमत तो इनको भरनी ही है, ये तो आपके कार्ड्स ने बता ही दिया है, इनको चुकानी ही है, ये साइकिल कंप्लीट होते ही वो फील करेंगे। और ये फील करवाना आपका काम है, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, जब वो आपको कुछ ऐसा बोले उठ के वहां से चले जाए, अपने मन में सोचें कि प्रभु इन्हें माफ कर दे, ये लोग, इनकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, ऐसा बोल के आप अपने रूम में चले जाएं, इनसे दूर हो जाएं। जब आप बार बार इनको ये वाला सबक सिखाएंगे, ये खुद शर्म में पड़ जाएंगे, इनको खुद लगेगा ये आपके साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। और जब ये रिग्रेट में से निकलेंगे, ये एक अच्छे इंसान बन के बाहर आएंगे। जो इसमें से बाहर आएगा उसका कर्मा अच्छा होगा, जो इसमें से बाहर नहीं आएगा वो तो खैर ऐसा ही रहेगा। तो घर के लोगों के साथ तो आप यही कर सकते जो मैंने बताया, लेकिन जो बाहर के हैं, जिनके पास आप प्यार ढूंढने गए, जिसके पास आप विश्वास और सपोर्ट ढूंढने गए, उन्हें अब छोड़ दें, जो ऐसा करते हैं उन्हें जाने दें। ऐसे अच्छे लोग बहुत आते हैं लाइफ में, इनकी कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे बुरे इंसान के चुंगल से निकलिए, कम से कम एक जगह पे तो लड़ने को आपकी हिम्मत रहे, आप दो जगह पे लड़े इससे अच्छा आप एक जगह पे ही लड़े। तो मेरी जो ये पूरी रीडिंग का मैंने जो सार दिया है वो यही है कि आप घर में जो परेशानियां बर्दाश्त करें, घर में ही आपके इतने हक मारे जा रहे हैं, उसमें बाहर भी अगर आपको ऐसे ही इंसान मिलेंगे या जिनके साथ आप टिके रहेंगे, ये आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप वैसा करेंगे बहुत जल्दी लोग रियलाइज भी करेंगे और आपकी लाइफ की क्वालिटी और भी बेहतरीन होगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जरूर कमेंट्स में लिखिए आप किस तरह के सिचुएशन से गुजरे हैं, किस तरह से लोगों ने आपका हक मारा है और अब आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, ताकि दूसरे व्यूअर्स को इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। योर फ्रेंड आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।